अभी हम लोग बिहार के राजधानी पटना में मौजूद हैं। आपको पता ही होगा कि जिस तरह से इस वक्त पूरे देश में जो चल रहा है उस गतिविधि पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि तमिलनाडु का जो चर्चा है पूरे बिहार में इस वक्त पूरे देश के लोग जान गए हैं, क्योंकि लगातार जो बिहार के मजदूर है जो यहां से काम करने के लिए मजदूर गए थे, उन मजदूरों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इसी मजदूर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंसाफ 24 के न्यूज़ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, मुशर्रफ खान मौजूद है। मुशर्रफ जी, आप पटना की धरती पर मौजूद हैं, रात के 8:30 चुके हैं और आप एक छत पर खड़े हैं और उस राजधानी में खड़े हैं जहां सभी दल के नेता यहां मौजूद है, यहां सभी दल के नेता रहते हैं। क्या कहेंगे, अभी तक किसी तरह का पहल नहीं की गई है। हालांकि इस मामला में भले ही डीजीपी साहब से बातचीत मुख्यमंत्री जी की हुई हो और एक टीम का गठन किया गया है कि किसी तरह तमिलनाडु जाया जाए, वहां का जायजा लिया जाए और यह बात कितना सही है इस पर चर्चा की जाए। आप कहां से शुरू करना चाहेंगे? हम शुरू करना चाहेंगे नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि नींद खुली 3 दिन बाद खुली। हालांकि 3 दिन पहले नींद खुली होती तो आज हमारे बिहारी भाई मरते नहीं। आज बिहारी भाई को दर्द होता है, यहाँ हमें भी रोना आता है देखकर कि बिहारी भाई को तलवार से काट दिया जाता है सिर्फ एक गलती की वजह से, जिसको हिंदी बोलना नहीं आता। ऐसा नहीं, ये 2024 के इलेक्शन का रणनीति बनाया जा रहा है बिहारियों को काट कर। तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन होना चाहिए? लॉकडाउन अगर होना रहता तो हमारे बिहारी भाई मरते हैं। आज हमारे बिहारी भाई फोन करते हैं, रिकॉर्डिंग आप सुना देंगे आपको, फोन करते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि बिहारी भाई मर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है बिहार के, वो ट्वीट करके लिखते हैं कि किसी भी तरह का कोई बात नहीं है, ये अफवाह है, अफवाह फैलाया जा रहा है। हालांकि ये अफवाह भाजपा की नेता की ओर से फैलाया जा रहा है, जबकि अगर भाजपा के नेता की ओर से अफवाह फैलाया जा रहा है तो उस पर FIR क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको छपरा कांड याद है ना, एक आदमी ने गलती किया और 70 लोगों पर FIR दर्ज हुआ। बिल्कुल, 70 लोगों पर हुआ। आज FIR, अगर अफवाह फैलाया जा रहा है, वो वीडियो कहां से आ रहा है? वो भी तो वीडियो भारत देश का बताया जा रहा है। वो वीडियो जो आ रहा है, कॉल आ रहा है, हमारे मोबाइल पर खुद कॉल आता है, दिन में 50 बार बिहारी भाई रोते हैं कि हम नाले में गटर में बंद हैं, हमें मार देगा बाहर निकलेंगे तो। लेकिन आज जो केस की आप बात करते हैं, पहला केस नीतीश कुमार पर होना चाहिए। हालांकि उनको धन्यवाद देते हैं जो एक टीम गठित किए हैं, DGP महोदय के साथ मिलकर एक टीम को भेजने का प्रयास किए, कल तक टीम तमिलनाडु पहुंच जाएगी। और तमिल को बता देते हैं कि हम बिहारी हैं, हम चूड़ी नहीं पहने हुए हैं, आप हमारे बिहारी को हाथ लगाएगा तो आपका हाथ उखाड़ देंगे, तलवार चलाएगा तलवार से काट देंगे आपको, बिहारी को आप छूते हैं। हालांकि बिहारी लोग मजदूर जो जाते हैं वहाँ, अभी केंद्र सरकार, बहुत से BJP के नेता लिखते हैं फेसबुक पर कि बिहार में बाहर है, तमिलनाडु बिहारी कट रहे हैं। हम उस BJP के नेता से पूछना चाहते हैं, केंद्र में क्या सरकार घास छीलने के लिए बनाई गई है? केंद्र में जो मोदी जी बैठे हुए हैं किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं? क्या बिहारी सिर्फ नीतीश कुमार को वोट दिया है? क्या बिहारी सिर्फ बिहार सरकार को वोट दिया है? क्या बिहार इस इंडिया का भाग नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है? BJP के नेता से हम पूछना चाहते हैं, जो आप जो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि बिहार के लोग को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो क्या बिहार इंडिया से बाहर है, पाकिस्तान में है बिहार? आपको शर्म नहीं आती हल्का सा लिखने में? हर चीज़ में आप राजनीतिक करते हैं, हर दल के नेता राजनीतिक करते हैं। आज बिहारी भाइयों को काटा जा रहा है, आप लोग राजनीतिक में व्यस्त हैं, ये कोई नहीं नेता सोचता। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो खामोशी है, हमारी कमजोरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, जो राजनेता है? बिल्कुल, सब फायदा उठा रहा है, सब बिहार वासियों का यूज कर रहा है, सिर्फ नेतागिरी कर रहा है। आज तक एक भी आप देखिएगा, पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, किसी में भी आप देखिएगा, ये नहीं लिखा होगा कि बिहारियों को बचाया कैसे जाए, बिहारियों को वहाँ से निकाला कैसे जाए। आज आपके मोबाइल पर भी कॉल आया होगा, मनीष कश्यप के मोबाइल पर भी कॉल आया, अभिनव के मोबाइल पर कॉल आया, मनीष कश्यप के मोबाइल पर कॉल आया, सबके मोबाइल पर कॉल आया, सबसे बात भी हुई है। आज बिहारी की हालत देखकर आंख भर जाती है दोस्तों, आंख भर जाती है जब बात तमिलनाडु की आती है, आंख से आंसू छलक जाते हैं जब बात तमिलनाडु की आती है, क्योंकि तमिलनाडु से लगभग सुबह से 10 से ज़्यादा फ़ोन तो मेरे पास आ चुका है और जब भी कोई मजदूर कॉल करता है तो रोने लगता है और उसके आंसुओं की जो आवाज़ है, उसके जो आहट है, जो कहीं ना कहीं वो आ है, वो हमारे दिल के अंदर जब जाता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे एक भाई जो तमिलनाडु में काम करने गए, रोज़गार के लिए गए, अगर रोज़गार बिहार में होता तमिलनाडु जाने की क्या जरूरत थी? बिहार में कहाँ से रोजगार मिलेगा? बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ को बंद कर दिया गया, यहाँ बात है तमिलनाडु की, तमिलनाडु में काटा जा रहा है, केंद्र सरकार घास छील रही है क्या? केंद्र सरकार तो एक दिन में अनाउंसमेंट करती है कि आप थाली बजाइए, सब थाली बजाने लगते हैं, कहती है मोमबत्ती जलाइए, पूरी देश मोमबत्ती जलाने लगती है, कहती है पूरा देश लॉकडाउन हो जाए, पूरा देश लॉकडाउन हो जाता है। आपको याद है वो कोरोना काल जो 22 दिन का लॉकडाउन लगा था, खाने के लिए लोग तरस गए थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो बड़े हो गए, गरीब गरीब हो गए।
आपको दिखाई दे रहा होगा जो 22 दिन का लॉकडाउन हुआ था, क्या केंद्र सरकार आंख बंद करके है? केंद्र सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है? अब बहुत से मीडिया लिखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा वहाँ, यानी कॉल आ रहा है, क्या स्पैम कॉल है? लोग कॉल पर रो रहे हैं कि हम गटर में हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि हमारे दो साथियों को उठा के ले गया है। उनके माँ से पूछे, उनके पिता से कोई पूछे जिनका बेटा तमिलनाडु में नौकरी करने गया है, उनसे कोई दर्द पूछे ना इस समय मुशर्रफ भाई, तो पता चलेगा, वो एहसास होगा कि कितना घुटन महसूस हो रहा है। एक लड़का फ़ोन किया और बताया कि मैं एक नाले के अंदर कैद हूँ और 80 लड़के हैं उन कंपनी में काम करने वाले, वो सभी तमिलनाडु में फंसा हुआ, रो रहा था, बिलख रहा था, उसका कॉल आया मेरे पास। बहुत से लोगों को ट्रेन से घींच कर मारा जा रहा है, बहुत से लोगों को कंपनी में घुस के मारा जा रहा है, लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रही है। पुलिस भी कहती है बिहारी है, बिहारी को मारो, लेकिन बिहारी आपको भी औकात दिखाएगा, तमिलनाडु काले काले सुअर की तरह दिखने वाले। साउथ इंडिया के फिल्मों का भी बहिष्कार होना चाहिए, साउथ इंडिया जाने वाला यहाँ बिल्कुल। आज बायकॉट गैंग से हम पूछना चाहते हैं, कहाँ गए वो बायकॉट गैंग जो पठान फिल्म का बायकॉट तो कर दिए, लेकिन साउथ में जो बिहारियों को काटा जा रहा है, आप किस बिल में घुसे हुए हैं? आपसे पूछना चाहते हैं। उनका भी बायकॉट होना चाहिए, उनका भी बायकॉट होना चाहिए। हर साउथ फिल्म का बायकॉट होना चाहिए, तेलुगु फिल्म का बायकॉट होना चाहिए, अब बायकॉट उसका भी होना चाहिए जो केंद्र में बैठ के सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम कर रही है। क्या आज बताइए, हमारे पीएम मोदी जी हैं, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं वो चाह लें तो 5 मिनट में तमिलनाडु की औकात दिखा देंगे, लेकिन उनको 24 याद आता है कि हमारा 24 में इलेक्शन आ रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, सबको 24 याद है कि 24 में इलेक्शन आने वाला है, बिहारी को कटवा दो फिर हम बिहारी के साथ। 4 दिन से ये मामला चल रहा है, 4 दिन के बाद नीतीश कुमार की आँख खुलती है, मुख्यमंत्री के आप जागते हैं सो के, मतलब दुर्भाग्य है ये बिहार, बिल्कुल दुर्भाग्य है। आप लाइव सिटीज पर आप देखे होंगे, बोला गया है कि नीतीश कुमार जी को अब पता चला, यानी बिहारी को कटने दीजिए, जब कट के पिस्ता मच जाए। तेजस्वी जी आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, बिल्कुल सब पर सब आरोप लगता है, और वो आरोप फैला रहे हैं तो भाजपा वाले पे एफआईआर। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ मौत पर राजनीतिक होती है, हर पार्टी, हम एक पार्टी को दोष नहीं दे रहे हैं, हर पार्टी मौत पर राजनीतिक करती है और बिहारवासी उसको सुनते रह जाते हैं। आज उस परिवार वाले को फ़ोन कीजिए जिसका बेटे का गर्दन काट दिया गया, जिसको कुल्हाड़ी से मारा गया है, हमारे पास सारा वीडियो मौजूद है, पर डे वीडियो आता है। सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय जो मूल निवासी है उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिहार के जब मजदूर जाते हैं ना तो वो 16 से 17 घंटे मुशर्रफ भाई काम करते हैं, वहाँ के मजदूर 8 ही घंटा ड्यूटी करेंगे, पैसा ज़्यादा लेंगे, तो ऐसे में बिहारियों को वहाँ ज़्यादा कंपनी में काम मिलने लगा, उन लोगों को काम नहीं मिलता। शायद यही कारण था कि वो लोग चाहते हैं कि बिहारी भागे, जो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के आदमी जो काम करने जाते हैं उनको, झारखंड से बहुत कम लोग जाते हैं काम करने, क्योंकि झारखंड में बड़े बड़े टाटा कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया है वहां नौकरी मिल जाती है, लेकिन बिहार में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहां बिहार के लोगों को काम मिले, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फैक्ट्री न हो या हो, यहाँ तमिलनाडु की सरकार सीधा बयां कर रही है कि बिहार भारत का हिस्सा नहीं है। दिल्ली में बैठी वो निकम्मी सरकार भी साफ इशारा कर रही है कि बिहार भारत का हिस्सा नहीं है, बिहारवासी को कटने देंगे लेकिन हम एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आप ट्विटर खोल कर देख लीजिए, सब ट्वीट करता है तो पार्टी को निशाना बनाता है, किसी ने ये नहीं ट्वीट किया कि तमिलनाडु में जो बिहारी मर रहे हैं, कट रहे हैं, उसको निकाला कैसे जाए। आज एरोप्लेन में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों के बेटे कोरोना काल में देश विदेश से आ गए, क्या आपके पास एरोप्लेन की कमी हो गई मोदी जी? क्या नीतीश जी आपके पास एरोप्लेन की कमी हो गई? वंदे मातरम आने वाला है, वंदे भारत, वंदे भारत आपके पास एक से एक एक्सपर्ट ट्रेन है, स्पीड हाई स्पीड ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, क्या आपके पास प्लेन का पेट्रोल खत्म हो गया है मोदी जी? क्या आपके प्लेन का पेट्रोल खत्म हो गया है नीतीश जी, जो आप प्लेन भेज कर बिहार के मजदूरों को मंगा ले? कोरोना काल में तो आपने वोट बटोर लिया और आप लोग जीत भी गए, सिर्फ वोट की राजनीति होती है, गरीब मजदूर मरता है। बिहार के लोगों का एक गलती है मुशर्रफ भाई, गलती ये है कि हमेशा जब चुनाव का समय आता है अपने जात को वोट देते हैं, मुसलमान ओवैसी के पक्ष में चले जाते हैं, जो लोग हैं कुछ लोग जो है यादव के पक्ष में चले जाते हैं, कुछ लोग भाजपा, ये मतलब जातिवाद होता है, चूतिया बनाते हैं नेता। ओवैसी हैदराबाद में खड़ा होकर कहता अल्लाह अकबर, सारे मुसलमान साला आंख में पट्टी बांध लेते हैं, चल देते हैं उसके पीछे। दिल्ली में बैठ के मोदी जी कहते हैं जय श्री राम, सब चल देते हैं, किसी को ये नहीं दिखता कि हमारे भारत का विकास कैसे होगा, हमारा भारत नंबर 1 कैसे बनेगा, हमारा बिहार आगे कैसे जाएगा, किसी को ये नहीं दिखता। सिर्फ दिखता है कि भाई तेजस्वी यादव, हम यादव हैं तो उसी को वोट करेंगे, चाहे हम मिट जाएँ, चाहे हम ख़त्म हो जाएँ,
आज वही हो रहा है। आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है, कोरोना काल में हेलीकॉप्टर भेजते हैं वहाँ, जो वहाँ जो मारा जा रहा है तमिलनाडु में, जो मर रहे हैं जिसको काटा जा रहा है, क्या जात पूछ के काटा जा रहा है या सिर्फ बिहारी बोल के? सबको बिहारी, ओनली बिहारी। किसी से जात पूछा? बिल्कुल जात किसी से नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि आपको तमिल आती है नहीं आती। सीधा पंगहाड़ी हो टंगारी हो जो भी हो उसके हाथ में धारदार हथियार, उससे हमला कर देते हैं, बिहारी मर जाते हैं। वो क्यों नहीं पूछ रहे कि आपकी जात? आज 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 नेता आवाज नहीं उठा रहे हैं, नेतागण सिर्फ राजनीतिक करने में लगे हुए हैं। उसका एक कारण है, तमिलनाडु में जो खट रहे हैं ना, वो हम आपके घर के लोग हैं, हमारे भाई हैं, गरीब के बच्चे हैं, न कि विधायक न कि एमपी के बच्चे हैं। आप लिस्ट खोल कर देखिएगा, सब विधायक के बच्चे, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई लंदन में पढ़ रहा है। ये लिस्ट में ये नहीं दिखेगा कि विधायक का बेटा मजदूरी कर रहा है तमिलनाडु में। आज एमपी या विधायक का बेटा होता ना कोरोना काल की तरह, जैसे कोरोना काल में फंसा था विदेश में, तो जितने भी एमपी जितने भी बड़े बड़े नेता थे, एरोप्लेन एकदम अपना पर्सनल जेट भेज दिए कि तुम लेके आओ हमारे बेटा को। आज किसी का आज बेटा होता ना, वहाँ बेटा के गर्दन पर तलवार लगी होती, तुरंत यहाँ से फोर्स तैनात हो जाता। आज हमारे देश के पास थल सेना पूरी दुनिया में सबसे मजबूत हमारे देश का है। आज इंडियन आर्मी को भेज दे वहाँ, फिर औकात दिखा देगा इंडियन आर्मी तमिलनाडु वासी को कि तुम कानून हाथ में लेते हो, न वहाँ का पुलिस साथ दे रहा है न कोई दे रहा है। आज केंद्र सरकार के हाथ में तो इंडियन आर्मी है, इनका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेवार कौन है, किसकी जिम्मेवारी खेला? सब यहाँ राजनीति खेला जा रहा है। यहाँ आप नीतीश जी को ले लीजिए या मोदी जी को ले लीजिए या अमित शाह जी को ले लीजिए, सबकी मिली भगत से ये खेला हो रहा है। खेला होने का कारण है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, फोटो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है, तब कहीं ना कहीं एक्शन में आया। अब सरकार गठन किया एक टीम का जो कल जाएगी, गठन करेगा, नहीं तो असर पड़ जाएगा 2024 पर आने वाले चुनाव में। उनके पीछे भी चुनाव की राजनीति? बिल्कुल चुनाव की राजनीति हो रही है, हमेशा से तो बलि चढ़ते हैं, आज भी बिहार के लोग मर रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है। हम तो एक ही सवाल उस नेतागण से पूछना चाहते हैं कि आपका बेटा आपका बेटी कोई भी अगर तमिलनाडु में होता तो क्या आप चार दिन चुप होते? आज ट्विटर बताता है, गूगल बताता है कि आज तक 1400 कुछ लोगों को काट दिया गया। वहाँ से जो आज फोन आया है 11:00 में, वहाँ कह रहा है कि हम 80 लोग थे एक कंपनी में काम कर रहे थे, अभी नाले में बंद है। सोच सकते हैं बिहार के लोग नाले के अंदर घुसे हुए हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो हमको मार देगा। और उसमें से भी ये भी बताया जा रहा है कॉल में कि हमारे दो साथियों को उठा के ले गया, बिल्कुल, जिनका कोई पता नहीं है, जिनका कोई अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि वीडियो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग क्या खामोश रहेंगे, हम लोग क्या चुप बैठे रहेंगे? हम लोग चूड़ी नहीं पहने, हम लोग नामर्द हैं, हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं। आज सरकार बता दे कि हम बिहार वासियों को नहीं बचाएंगे, बिहार की आम जनता, बिहार एक बिहारी 100 पर भारी होता है, ये तमिलनाडु के लोग जान ले। आज सरकार हाथ खड़ा कर ले कि हम बिहार की जनता को नहीं बचाएंगे, मरने देंगे, बिहार लूट लेगा पूरे तमिलनाडु को, तमिलनाडु को उसकी औकात बता देगा बिहारी। बिहारी को क्या समझ रहे हैं आप? ऐसे ही चावल भी खाते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं। आज तमिलनाडु की इतनी औकात है जो बिहारी को हाथ लगा दे। आज सरसों का तेल कहाँ से जा रहा है? बिहार से जाता है। चपड़ चपड़ जो खाते हैं वो काले काले सांड, चावल कहाँ से जाना? चावल आटा सब बिहार, सब बिहार से जाता है। लेकिन बिहार सरकार जब बलि चढ़ जाएगा 5-10 हज़ार मजदूर, तब वहाँ से लाएगा पर परिवार को 2 लाख एकड़ देकर मुआवजा देकर वोट की राजनीति कर लेगा। यही हो रहा है। हमने कहा ना कि बहुत से नेता ट्वीट पर कुछ से कुछ लिख रहे हैं, कोई ये नहीं लिख रहा है कि बिहार के मजदूर को, लोगों को आवाज़ उठाने की जरूरत है कि नहीं इस समय? बिल्कुल लोगों को आवाज़ उठाने की जरूरत है। अभी लोगों को पता कहाँ है, जितने भी गोदी मीडिया हैं, चाटुकार मीडिया हैं, सब तो छुपा रहे हैं बात को, लोगों को जानकारी नहीं होगा। आज आप पटना में चले जाइए, घूमिए, पटना में 100% लोगों में से 80% को पता नहीं होगा कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, क्योंकि लोग टीवी देखते हैं। टीवी जो देखते हैं, जो न्यूज़ चलता है, वो नेता का बनाया हुआ न्यूज़ रहता है। जो नेतागण चाहते हैं वही हमको दिखाया जाता है, वही हमारे दिमाग में घुसता है, जिसकी वजह से आज बलि पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर ली। बिल्कुल स्क्रिप्टेड, टोटल स्क्रिप्टेड वीडियो रहता है न्यूज़ पर, सारा पहले से प्लानिंग किया हुआ रहता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को सोशल मीडिया का भरोसा, जिस तरह से सोशल मीडिया का असर हुआ, वीडियो जो वायरल हुए, तो मुख्यमंत्री अब टीम का गठन कर दिए हैं, कल वो टीम जाएगी वहाँ, जाँच करेगी कि हकीकत। मैं तो धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार जी को कि आर एस भट्टी साहब के साथ बातचीत, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी का ही दायित्व नहीं है, आज केंद्र में बैठी सरकार का भी दायित्व है। एक बार केंद्र में बैठी सरकार, एक बार नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर बोल दें तमिलनाडु लॉकडाउन, एक पत्ता नहीं हिलेगा तमिलनाडु का। लेकिन सब आंख खुला हुआ है, लेकिन अंधे बने हुए हैं, सब अंधे बने हैं कि मरने दीजिए, जब 5-10 हज़ार बलि चढ़ जाएगी
तब हम वहाँ से हम अनाउंसमेंट करेंगे, एक ट्वीट करेंगे ट्विटर हैंडल से लॉकडाउन, फिर तब जाके होगा। यानी केंद्र सरकार से बड़ी है तमिलनाडु सरकार। केंद्र सरकार एक बार खड़ा होकर कह दे, इंडियन आर्मी को ऑर्डर दे दे कि आप जाइए सील कर दीजिए तमिलनाडु को, एक भी बिहारी मरना नहीं चाहिए, एक बिहारी को आँच तक नहीं आएगी, लेकिन सब चाह रहे हैं कि बिहारी मरे। बिहारी का यूज यही नहीं हो रहा है, बिहारी है, बिहारी है, कीड़े बिहारी, बिहारी होना गुनाह हो गया इस देश में। बिहार में जन्म लेना ही गुनाह है, बिहार में जन्म लेना गुनाह है। बिहार में लाश पड़ी हुई है, उस पर राजनीतिक हो रही है, बड़ी पड़ा हुआ है, उस पर राजनीतिक हो जाती है। बिहार में दो दो जगह देखिए, आर्मी जवान को मारा गया है, मधुबनी में, मोतिहारी में, हर जगह मारा जाएगा, उस पर राजनीतिक जरूर खेलेंगे, न्याय नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही निवेदन करेंगे केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से। बड़े बड़े भाषण तो आप दे देते हैं, बड़े बड़े फ़ोटो खिंचवा कर ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर अपलोड कर देते हैं। एक फ़ोटो तमिलनाडु जाके खींच लीजिए बिहारी मजदूर के साथ सेल्फी, कि हमारे बिहार के मजदूर हैं, इनको हम आँच नहीं आने देंगे, मान जाएंगे उनको हम। आज जितने भी बिहार में बैठे नेता ट्वीट कर रहे हैं, कोई फेसबुक पर लिख रहे हैं, कोई इंस्टा पर लिख रहे हैं। आज अमित शाह कर्नाटक में रैली कर रहे थे, चुनावी रैली। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव रैली होगी नहीं, किसको पड़ा हुआ है कि आम जनता मर रही है, मरने दो ना। इलेक्शन आएगा, जाएंगे 150 देंगे, 500 देंगे, हो गया हमारा, यही हो रहा है। सबको पता है कि पैसे से वोट खरीद सकते, बिल्कुल पैसे पर, पैसे पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है ना, हम कुछ भी खर्च कर सकते हैं, सब हमारे लिए इजी हो जाएगा। आज वही हो रहा है बिहार में। तो बिहार की जनता कब जागेगी? बिहार की जनता नहीं जागेगी, बिहार की जनता नहीं जागेगी, इसलिए नहीं जागेगी, बिहार में मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाने वाले लोग हैं, बिहार में हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले लोग हैं, बिहार में मंदिर मंदिर चिल्लाने वाले लोग हैं, बिहार में मस्जिद मस्जिद करने वाले लोग हैं। किसी को ये नहीं पता है कि बिहार तरक्की कैसे करेगा। आज आपने फैक्ट्री की बात की, बिहार मिथिला की जहाँ तक बात है, बिहार में मिथिला आता है, मिथिला पूरे देश को खाना खिला सकता है, इतना पावर था मिथिला के पास, है नहीं अभी। हमने देखा है कि मिथिला में पान और मखान जो है बहुत मशहूर है, मशहूर है, लेकिन जिस तालाब से मखाना निकलता है, उस तालाब से कल शराब निकला है। बिल्कुल, चीनी मिल, जूट मिल, बहुत से मिल ऐसे ऐसे हैं कि बिहार के मजदूर को बाहर नहीं जाना होगा। लेकिन क्या हो गया, हमारी गलती के वजह से, हम बिहारी की गलती की वजह से आज मिल बंद हो गया, जिसके वजह से हम बिहारी बाहर जाते हैं, लोगों का ताना सुनते हैं, तुम साले बिहारी हो, मर जाओगे, मार देंगे यहीं, तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते हमारा, यही होता है। तो हम तो बस इतना ही निवेदन करेंगे कि आपने टीम गठित कर दी है, टीम को आज ही रवाना कर दे, कल रवाना करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आज रात में जो मरने वाले हैं ना तमिलनाडु, उसकी संख्या तो कम होगी, कम होगी आज रात में, नहीं भी तो तमिलनाडु के लोग नहीं भी कम से कम 100-150 को मारेंगे। अगर टीम वहाँ पहुँच जाती है शायद वो बच सकता है, शायद वो बच जाएगा। चलिए, मुशर्रफ खान हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। असल में तमिलनाडु में जो इस वक्त मामला चल रहा है वो पूरा देश जान रहा है, हालांकि जो लोग सोशल मीडिया और टीवी टेलीविज़न अखबार से दूर है शायद उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन हालांकि पूरे देश जानता है कि किस तरह से तमिलनाडु में मजदूरों को दौरा दौरा कर पीटा जाता है, उनको काटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या कर दी जाती है दीन दहाड़े बाज़ार में। सिर्फ उनकी गलती यह है कि उस बिहार में जन्म लिया, उनकी गलती यह है कि वो यूपी में जन्म लिया, उनकी गलती यह है कि वो हिंदी बोलने वाला है और मजदूरी करने के लिए वहाँ गए, बस इतनी छोटी सी गलती और उनको इतनी बड़ी सजा मिल जाती है। बिल्कुल, सजा मिलेगी नहीं, और सजा दिलाने वाला कोई और नहीं, सरकार है, सरकार है, इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं। सवाल करेगा तो जेल में डाल देगा आपको, आप सवाल कीजिए सरकार से, जेल में डाल देगा आपको तुरंत, और निकलने नहीं। तानाशाही हो गया, तानाशाही है ही बिहार में, बिहार यूपी हर जगह, आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है, झाल बजा रही है क्या, खुला छोड़ दी है माओवादियों को, नक्सलवादियों को, कि तुम गोली ले लो मार दो बिहारी को, तुम तलवार ले लो काट दो बिहारी को, ये हो रहा है तमिलनाडु में। वहाँ के आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये फर्जी मामला है, अफवाह फैलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम है, वो ट्वीट कर देते हैं अफवाह है। वहाँ से कॉल फिर कहाँ से आ रहा है, आप कॉल का जांच करवा लें। हजारों न्यूज आ रहा है, हर न्यूज चैनल पर, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है सब पर न्यूज आ रहा है, किसी का गर्दन कटा हुआ है, किसी को मार रहा है, लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, उस वीडियो की जांच तो आप कर लें, जांच कर लें कि सही वीडियो है या गलत है, कॉल जो आ रहा है वो तमिलनाडु से आ रहा है कि नहीं, कहां से आ रहा है, हमें तो जितना भी कॉल आया है सारा पर तमिलनाडु लिखा हुआ है। अगर ये बात गलत है तो जितने लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर FIR दर्ज होना, FIR होना चाहिए, तो भाजपा वाले पर भी FIR, भाजपा वाले पर भी FIR होना चाहिए, नीतीश कुमार जी पर भी FIR होना चाहिए। तेजस्वी यादव जो गलत ट्वीट कर रहे हैं, अगर ये बात सही है
तो गलत ट्वीट करने वाले पर भी एफआईआर होनी चाहिए अगर बात सत्य है तो। आज छपरा में करता है एक, हो जाता है 80 पत्रकार, इतने लोग मरेंगे उसका जिम्मेवार तेजस्वी होगा फिर? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तेजस्वी ही नहीं, जितनी बैठी हुई है ना बिहार से लेकर दिल्ली तक, सब जिम्मेवार होगा। चलिए मुशर्रफ खान, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती वक्त आपका लिया। और बहुत छोटा सा, पटना में अभी मौजूद हूँ और लगातार जो तमिलनाडु वाला कांड हुआ है उस कांड को लेकर हम लोगों ने विशेष चर्चा किया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक टीम का गठन किए हैं और कल पटना से वो टीम रवाना होगी तमिलनाडु के लिए और वहाँ के मजदूरों का जायजा लेगी, हालात का जायजा लेगी, वहाँ के IPS अधिकारी से मिला जाएगा, वहाँ के DGP से मिला जाएगा और मिलकर इस मामले पर विशेष चर्चा की जाएगी और क्या कुछ है उसकी जानकारी लोगों तक, पत्रकारों तक, मीडिया तक साझा की जाएगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर कर दीजिए और लोगों तक जानकारी पहुंचा दीजिए ताकि लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने घर में रहे, सेफ रहे। धन्यवाद।